जानवर खतरे से खुद को कैसे बचाते हैं? चलो ठीक है, पहले अपने बारे में बात करते हैं। हम इंसान ह्यूमंस कैसे खुद को खतरे से बचाते हैं? हमारे शरीर के अंगों के अलावा हम कई औजार या हथियार या जो कुछ भी मिला उसके द्वारा खुद की रक्षा करते हैं। अमन और आनंद ने आग बना के भालू को डराया था, लेकिन जानवर खतरे में क्या करते हैं? वे हमारे जैसे चाकू या बंदूक या आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमन, तुम बता सकते हो क्यों कुत्ता भौंकना बंद करके भाग गया? क्योंकि गाय ने अपने सींगों से कुत्ते पर हमला किया था। तो पशु भी किसी तरह अपने आप को खतरे से बचाते हैं। हिरण के मामले में देखते हैं, यह एक तेज धावक है। इसके सेंस ऑर्गन्स आंख, कान, नाक आदि इतने बड़े हैं कि वे उसे चारों ओर से आने वाले खतरे की चेतावनी देते रहते हैं। इनके कारण वह अपने दुश्मनों से बच जाता है। पॉर्क्यूपाइन एक जंतु के शरीर पर कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरे जानवरों को दूर रखने के लिए कांटे काम आते हैं। सांप क्यों जहरीले हैं? अन्य जंतुओं को डर से दूर भगाने के लिए सांप जहरीले होते हैं। क्यों स्नेल्स एक जानवर का शरीर के बाहर कड़ा खोल है? क्योंकि वह कड़ा खोल उसके कोमल शरीर की रक्षा करता है। आपने कभी यह देखा है क्या? कहानियों में कुछ अलौकिक पात्र सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स बड़ा बड़ा और बड़ा होकर शत्रुओं को डराकर भगाते हैं और बाद में मामूली आकार में वापस आ जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पफर फिश यानी एक तरह की मछली अपनी रक्षा कैसे करती है। इसके शरीर पर सुई जैसे कांटे चपटे रहते हैं। कोई शत्रु इसे डराए तो यह खूब पानी पीकर गुब्बारे जैसा फूल जाता है। यह अपने आकार से 2-3 मात्रा ज्यादा बन जाता है। यह लंबा नहीं होता, लेकिन चारों ओर बढ़कर मोटा बनता है। इसका भारी आकार इसलिए शत्रुओं को डराता ही नहीं, उसके कांटे भी सीधा चुभाते हैं। अधिकांश दुश्मन उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। एक बार खतरा बीत चुका तो मछली सिकुड़कर अपने पहले रूप में वापस आ जाता है। यह जानकारी दिलचस्प है ना? तो विभिन्न जंतु अनेक प्रकार की रक्षा प्रक्रियाओं से अपनी रक्षा करते हैं। दादाजी के घर में हाइड एंड सीक खेलते वक्त क्यों हर बार अमन ही जीतता है और कोई उसे क्यों नहीं खोज पाता? क्योंकि जहां वह छिप जाता है वहां के रंग को अमन अपने कपड़ों के रंग से मिला लेता है, इसलिए उसे खोजना मुश्किल होता है। अब हम एक खेल खेलते हैं, छिपे हुए जानवर को खोज निकालो। यहाँ कौन छिप रहा है? आप खोज सकते हो। यह उल्लू है। इसका छुपा हुआ स्थान बहुत अच्छा है ना? और यहाँ कौन छिपा हुआ है? यह मिस्टर मेंढक है। अब इसको खोजना थोड़ा मुश्किल है। यह क्या है? यह एक केकड़ा है। यह क्या है? उत्तरी ध्रुव का एक भालू बर्फ में सो रहा है। पत्ते के अलावा यहाँ कोई चीज खोज सकते हो? हाँ, यह पत्ता जैसा एक कीट है।
आखिर में खोजो यह कौन सा जंतु छिपा हुआ है। यह एक कैमेलियन यानी गिरगिट है। देखो यहां कौन छिप रहे हैं? नहीं, ये जानवर नहीं है, ये एक लक्ष्य पाने के लिए जाने वाले सिपाही हैं, यानी आर्मी पर्सनल। फौज में काम करने वाले क्यों एक जैसे ही वर्दी पहनते हैं? उसे पहनकर वे जंगल या पेड़ पौधे के पीछे छिपकर किसी को दिखते नहीं, इसलिए वे युद्ध में जीत सकते हैं। उन्हें ठीक से नहीं पाने से शत्रु भी उन्हें नहीं मार सकते। तो हम प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखते हैं। मानव भी जानवरों जैसे परिसरों में मिश्रित होकर दुश्मन से बच सकते हैं। यह अनुवर्तन यानी अडैप्टेशन के द्वारा जानवर आसपास से मिलकर आसानी से नहीं दिखने की प्रक्रिया को कैमोफ्लाज कहते हैं। इससे जानवरों को दो फायदे हैं। पहला, वे शत्रुओं को नहीं मिलते। दूसरा, वे अपने आहार पर वार कर सकते हैं। रंग बदलने वाले जानवरों में कैमेलियन एक प्रमुख जंतु है, क्योंकि यह नेपथ्य अनुसार अपना रंग बदलता है। कैमेलियन जैसा आप भी रंग बदलते तो हाइड एंड सीक खेलने में कितना अच्छा लगता है ना? अरे वाह, मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं अब कैमोफ्लाज का तकनीक यूज कर रहा था जब मैं छुपा छुपी का गेम खेल रहा था। मैं जरूर बड़ा होके अच्छा आर्मी मैन बनूंगा। अपनी रक्षा करने के लिए जानवर दिए गए तरीकों का अनुकरण करते हैं। वे हैं, एक, तेज दौड़ने से शत्रुओं से बचते हैं। दो, प्रत्येक शरीर भागों से यानी कांटे, बाहरी कवच। तीन, विशेष गुणों से यानी जहर। और चार, कैमोफ्लाज यानी रंग बदलकर परिसरों में छिपना।